है प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थलीन। जब अपन प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थलीन में अपन देखेंगे तो यहाँ मैं स्टार्ट किया था थ्री बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। तो थ्री बेंजाइल प्रोपियोनिक एसिड क्या हो गया ये अपने पास। बेंजाइल ग्रुप अपन कैसे बोलते हैं, यहाँ पे अपने पास अगर अपन कहें कि ये अपने पास बेंजीन ग्रुप है, इसके ऊपर अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलते थे, टोलुइन बोलते थे। अब टोलुइन में से अपन ने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बच गया, वहां पे एक बॉन्ड बनेगा और CH2 रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक और हटा दिया तो अपने पास क्या हो जाता है, CH और दो डबल बॉन्ड रह जाते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल। एक और हाइड्रोजन अपने हटा दिया तो क्या हो गया उसके अंदर, कि यहाँ पे टोलुइन के अंदर अपने पास सिर्फ C और उसके अकॉर्डिंग तीन बॉन्ड वो बना सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कहते हैं, बेंजिल बेंजल बेंजो। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजिल बेंजल तो अपने पास कौन सा हो गया है, बेंजोएल। तो बेंजोएल का मतलब यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं तो बेंजोएल ही अपने पास बेंजोइक एसिड से अपने पास बना बेंजोएल अपने यहाँ से इसको बना। ठीक है, ये वाला ग्रुप। तो ये वाला कार्बन है उसके पास में अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास कार्बन के डबल बॉन्ड इधर है, एक इधर है सिंगल पर, तो हाइड्रोजन उसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास बेंजोइल ग्रुप अपने पास ये जुड़ा हुआ है, तो ये अपने पास हो गया बेंजोइल में अपन क्या कह रहे हैं, थ्री बेंजोइल। तो ये सब्स्टिट्यूट फॉर्म में हो गया। प्रोपिनोइक एसिड में देख रहे हैं तो ये प्रोपिनोइक एसिड 1 2 3, तो यहाँ तक अपने पास क्या मिल गया, प्रोपिनोइक एसिड। उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3, थ्री पोजीशन पे अपने पास बेंजोइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री बेंजोइल प्रोपिनोइक एसिड, थ्री बेंजोइल प्रोपिनोइक एसिड जब अपने आप में अपन आगे रिएक्शन करा रहे, तो यहाँ पे इज हीटेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो अपने पास कीटो ग्रुप है वो किसमें अपने पास किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप में। ठीक है, और यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन इसके अंदर, तो यहाँ अपने पास ओवरऑल क्या बन गया, एल्फा नेप्थोन। एल्फा नेप्थोन है जिसको अपन क्या कर रहे हैं, फर्दर डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट। तो यहाँ पे क्या बन गया, नेप्थलीन। तो जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट अपने पास क्या होता है, जिंक के अंदर एक नेचर होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, कि अगर जिंक मेटल को अगर तुम अगर खुला रख दोगे तो वो एटमोसफेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और ZnO बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन इसको एल्फा नेप्थोल के साथ रखेंगे तो एल्फा नेप्थोल में उसको ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, यहाँ पे OH ग्रुप के साथ। तो वो यहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ZnO बना देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन होने की वजह से अपने पास क्या मिल गया, यहाँ पे नेप्थलीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये अपने पास एक रिएक्शन है जो अपने पास क्या है, क्या थ्री बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड से नेफ्थलीन कैसे बनाएंगे। सेकंड रिएक्शन अपने पास आती है फ्रॉम 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन। तो 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन के अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं 4 फिनाइल, तो 1 2 3 4। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, ब्यूटीन, कौन सा वाला, 1 ब्यूटीन। अगर अपन यहां से कहें तो 1 ब्यूटीन, तो नंबरिंग अपन दें तो किसके अकॉर्डिंग देंगे, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है तो 1 ब्यूटीन। अब सब्स्टिट्यूट ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा है, ये जिसको अपन बोल रहे हैं फिनाइल। तो फिनाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 कहाँ पे आ गया, 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन ये अपने पास स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के लिए जो अपन कैटेलाइज यूज कर रहे हैं, जो रिएक्शन को करवाना चाह रहे हैं, वो क्या लिया अपने, कैल्शियम ऑक्साइड विथ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड और हीट ये अपने पास कैटेलाइट किस फॉर्म में काम आता है, चेन फॉर्मेशन में, किसके अंदर, जबकि अपन एल्कीन यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे एल्कीन ग्रुप अपने पास है, तो एल्कीन ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा इसको। ठीक है, यहाँ से तो एक पाई बॉन्ड अपने पास इधर की साइड रिलीज होगा, जिसकी वजह से अपने आप में यहाँ एक रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, जब 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन इज पास्ड ओवर द रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड, नेफ्थलीन इज फॉर्म। तो इस कंडीशन में अपने पास एक रिंग फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे याद रखना है ये कैटेलाइज, जब अपन यूज कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को हीट अप करेंगे तो एल्कीन से अपने आप में क्या हो जाता है, रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन होगी।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन अपने पास आती है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हॉवर्ड सिंथेटिस। तो हॉवर्ड सिंथेटिस में अपने पास क्या हो गया, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अपन इसको देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड अपन देख रहे थे सक्सिनिक एसिड से बनाया था। सक्सिनिक एसिड कितना होता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 अपने पास कार्बन की चेन है, जिसके एक टर्मिनल पे सी डबल ओ है, दूसरे टर्मिनल पे सी डबल ओ है। जब ये कुछ टाइम के लिए अपन रखते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड अपने आप में किससे बना हुआ है, सक्सिनिक एसिड से। अब जब ये सक्सिनिक एसिड को अपन बेंजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ट्रीटेड विथ बेंजीन, किसकी प्रेजेंट में, सक्सिनिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंट में। तो यहाँ अपने पास बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, तो ये अपने पास कौन सा वाला, जो अपन ने अभी सबसे पहली रिएक्शन देखी, सबसे पहली अपन ने जो प्रिपरेशन रिएक्शन देखी वो क्या देखी, 3-बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड अपने आप में रिएक्ट कर रहा था और नेफ्थलीन अपने पास बन रहा था। कहाँ गए वो रिएक्शन, ये रहे। तो यहाँ पे अल्फा नेफ्थलीन, फिर अपने पास जिंक से अपने पास नेफ्थलीन। तो यहाँ पे अपन हॉवर्ड प्रोसेस देख रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे बेंजीन सक्सिनिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर रही है, और सक्सिनिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके 3-बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो ये अपने पास हॉवर्ड प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप हो गया, सक्सिनिक एनहाइड्राइड बेंजीन से रिएक्ट करेगी और 3-बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। सेकेंड स्टेप इसके अंदर आता है 3-बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, जैसा कि अपने पहली रिएक्शन में पढ़ा है। तो जिंक और HCl, जिंक और HCl अपने आप में वर्क करेंगे। तो ये अपने आप में कौन सा वर्क करते हैं, जिंक HgCHCl। तो ये अपने पास कार्बोनिल ग्रुप अपने पास है, जो अपने पास कार्बोनिल ग्रुप मतलब ये जो कीटो वाला ग्रुप है अपने पास, ठीक है, इसके अंदर ये रिएक्ट करके इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। इसका रिडक्शन करेंगे मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी और CH2 का ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बुड़े और 2 हाइड्रोजन जो अपने पास नए हाइड्रोजन होंगे वो यहाँ पे बुड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, सी डबल ओ एच है तो इसका भी रिडक्शन हो सकता था, मगर यहाँ पे जिंक अमलगम के फॉर्म में है, तो जिंक अमलगम के फॉर्म में है तो वो कार्बोनिल ग्रुप का ही रिडक्शन करेगी, ठीक है। तो ये याद रखना, जहाँ पे भी अगर कोई रिएक्शन है ZN के साथ में जिंक अमलगम के फॉर्म में जब रिएक्शन कराएंगे, तो हमेशा वो अपने आप में अपन कौन से ग्रुप को वहां पे रिड्यूस करेंगे, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप है, ठीक है। तो कीटोन वाले ग्रुप को अपन रिड्यूस करके वहां पे एल्केन वाला ग्रुप बना देंगे, ठीक है, CH2 ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो ये अपन अपने पास अगर एसीटोन होता है और इससे अपन रिएक्शन करा तो क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके की ये रिएक्शन तुमने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, 3-बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड अपने पास है, तो ये ग्रुप अपने पास CH2 में कन्वर्ट हो गया, और इसकी वजह से 4-फिनाइल-ब्यूटेनोइक एसिड। तो फिनाइल ग्रुप कौन सा होता है, ये वाला ग्रुप, बेंजीन वाला ग्रुप, इसको अपन शॉर्ट में भी लिख देते हैं 6-6-H5। तो 6-6-H5 यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो फोर्थ पोजिशन पे है, तो इसको अपन फिनाइल 4-फिनाइल-ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस कुछ कहीं कहीं बुक में इसको फिनाइल की जगह फाई लिखा होता है, फाई मतलब एक गोला और उसको एक खड़ी लकीर से काट देता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, फाई। तो 4-फाई-ब्यूटेनोइक एसिड या 4-फिनाइल-ब्यूटेनोइक एसिड दोनों एक ही चीज है। थर्ड स्टेप के अंदर अगर अपन आते हैं, तो थर्ड स्टेप में अपने पास क्या हो रहा है, 4-फिनाइल-ब्यूटेनोइक एसिड है। जब इसको अपन H2SO4 के साथ हीटअप करते हैं, तो H2SO4 के साथ अपन हीटअप कर रहे हैं, तो ये अपने पास बना था, तो हीटअप होने का मतलब अब यहाँ से इसके अंदर रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों स्टेप इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज रिंग, तो रिंग क्लोजर रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो रिंग क्लोजर रिएक्शन अपने पास बनती है, जिसके अंदर क्या बनेगा, टेट्रालोन अपने पास बनेगा, ठीक है, किसकी प्रेजेंट में, इन द प्रेजेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और कौन सा वाला सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो 4-फिनाइल-ब्यूटेनोइक एसिड जब कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करता है, तो अपने पास टेट्रालोन का फॉर्मेशन होता है, और टेट्रालोन अपने पास कौन सी रिएक्शन है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कि
ग्रुप अपने पास आ गया, बाकी के बॉन्ड अपने पास सेचुरेटेड है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड बना देते हैं, कीटो ग्रुप बना देते हैं। तो यहाँ पे ये अपने पास में क्या है, सेचुरेशन है, सेचुरेटेड फॉर्म में अपने पास बना है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टेट्रालॉन। ठीक है, किसके हीटअप किया अपने, एस2SO4 के साथ। फोर्थ जो अपने पास स्टेप आती है, फोर्थ स्टेप वापस अपने पास क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने पास जो टेट्रालोन था, तो टेट्रालोन को अपन ने कैसे लिखा, 3,4-डाईहाइड्रो, तो 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो, 2H, नेफ्थलीन 1 और, तो 1 के ऊपर अपन ने नंबरिंग कहाँ से दी, यहाँ से 1,2,3,4 5, 6, 7, 8। ठीक है, इन दोनों को नंबरिंग नहीं दिया, बने कहाँ गए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को अपन ने फर्स्ट फ्राइड के अकॉर्डिंग यहाँ तक दे दिया, तो जिसको अपन क्या बोलेंगे, ऑन वन ऑन। किसके बना हुआ है ये, नेफ्थलीन थे तो नेफ्थलीन 1 और, तो यहाँ तक का नाम हो गया। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे 2H, 2H का मतलब 1, 2, तो 2H में अपने पास क्या बता रहा है, सेचुरेशन। तो हाइड्रोजन का सेचुरेशन अपने पास में अपने आप में आ रहा है, तो उसने इसको क्या कर दिया, 2H। अब डाइहाइड्रो, तो इसी को उसने क्या कर दिया, 3,4, 3,4 पे भी डाइहाइड्रो, तो डाइहाइड्रो का मतलब इसके अंदर जो डबल बॉन्ड था उसको सेचुरेटेड करके इसने बोलते हैं HH। तो यहाँ पे अगर अपन जाते हैं तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकते थे, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ट्राईहाइड्रो नेथिलीन 1 और, और यहाँ पे इसने एच के फॉर्म में भी लिख दिया, तो एच के फॉर्म में इसने रिडक्शन के साथ बता के इसको यहाँ समझा दिया। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, यहाँ इसने क्या लिखा है, जब इसको यहाँ पे इसका रिडक्शन कर दिया तो वापस सेचुरेशन आंसर कहाँ कहाँ आ गया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रो, तो किसकी पोजीशन बता रहा है, हाइड्रोजन की, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को क्या हो जाता है कि जनरल केस में जब अपन एल्कीन एल एल्केन एल्कीन एल्काइन बोलते हैं, तो वहां अपन किसकी पोजिशन पे ज्यादा ट्राई कर देते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जल्दी आ रहा हो, पास में आ रहा हो। मगर जब अपन फ्यूज चेन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो वहां अपन किसको बताना चाहते हैं कि हाइड्रोजन अपने पास में कहाँ कहाँ पे अनसेचुरेशन है। तो यहाँ अपन ने 1, 2, 3, 4 जो वर्ड यूज किया है, 1, 2, 3, 4, ये क्या पोजिशन बता रहा है कि नेफ्थलीन में सेचुरेशन कहाँ कहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको प्रायिकता देंगे, तो नंबरिंग अपन ने इधर दी है, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8। ठीक है, ऐसा नहीं दिया कि डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग देते, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये गलत हो जाता। जब भी फ्यूज रिंग में अपन नंबरिंग देंगे तो किसको प्रायिकता दे रहे हैं कि सेचुरेशन किधर आ रहा है। ठीक है, उसमें अपन को क्या बताना है, हाइड्रोजन की पोजीशन। मगर जनरल केस में अपन करते थे तो एल्केन एल्किन में जब ओपन चेन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो किसको बता रहे हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को। मगर फ्यूज रिंग में अपन किसको बताएंगे, सेचुरेशन कहाँ पे नजदीक पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ स्टेप में हमने क्या देखा कि टेट्रालोन था, इससे अपने पास क्या बन गया, टेट्रालिन। तो IUPAC नाम के अकॉर्डिंग ये नाम छोटे हैं, टेट्रालोन से टेट्रालिन, ई नहीं आता है यहाँ पे। टेट्रालिन इन अगेन हीटेड विद द अमोनियम जिंक एंड एसिड, तो ये अपने पास हो गया। अब टेट्रालिन को अपन क्या कर रहे हैं, वापस पैलेडियम, पैलेडियम क्या हो गया, पी डी के साथ में अपन ने हीट किया, तो पीटी के साथ में अपन हीट करेंगे तो वापस क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन इसके साथ में इसने एब्जॉर्ब कर ली, निकाल दी, तो अपने पास क्या बन गया, वापस नेफ्थलीन। तो पैलेडियम क्या कर रहा है, यहाँ से इसका जो है अपने आप में हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो हाइड्रोजन का लूज होना मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो पैलेडियम ने क्या कर दिया, यहाँ पे नेफ्थलीन का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से 5 स्टेप में अपन यहाँ पे हार्वर्ड सिंथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड अपन यूज कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं अपन, बेंजीन से रिएक्ट करके 3-बेंजोइक प्रोपियोनोइक एसिड।
सेकेंड स्टेप में अपने पास क्या हो रहा है, थ्री बेंजोइक प्रोपियोनिक एसिड है जो अपने पास फोर फिनाइल ब्यूटेनिक एसिड बना रहा है। थर्ड स्टेप में अपने पास क्या हो रहा है, फोर फिनाइल ब्यूटेनिक एसिड है जो टेट्रालोन बना रहा है, ठीक है, जो अपने पास किस कौन सा अपन कैटेलाइज यूज कर रहे हैं, H2SO4। फोर्थ स्टेप में अपन टेट्रालोन का वापस अपन क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, जिससे अपन को क्या मिल रहा है, टेट्रालीन मिल रहा है। फिर टेट्रालीन को अपन फिफ्थ स्टेप में पैरेडियम से रिएक्ट कर रहे हैं और नेफ्थलीन मिल रहा है। तो ये पांचों स्टेप एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हार्वर्ड सिंथेसिस याद होनी चाहिए।